शिवपाल यादव का मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ कि शिवपाल यादव को भले ही नेता प्रतिपक्ष ना बनाया गया हो, लेकिन शिवपाल यादव को अखिलेश अभी भी बड़े के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें पार्टी में रखा गया है, सलाह मशवरा उनसे की जाती है। तो क्या परिवार को जोड़ने के साथ साथ अगर मैं कहूँ अपर्णा यादव को लेकर भी बात करूँ, तो क्या अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में वो शामिल कर लेंगे? देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव की अगर मैं बात करूँ तो अपर्णा यादव की भले ही उतनी लोकप्रियता नहीं हो, लेकिन उनका वोट बैंक भी है। क्या बीजेपी में अपर्णा यादव के साथ ठीक नहीं हुआ? क्या बीजेपी में अपर्णा यादव का इस्तेमाल किया गया? क्या बीजेपी ने जो वायदे अपर्णा यादव से किए उसको पूरे नहीं किए हैं? क्या कहती है तस्वीर उत्तर प्रदेश की? और अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं तो इसका कितना बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं अपर्णा यादव। ये वही अपर्णा यादव है, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, जब बहुत ज़्यादा परेशान समाजवादी पार्टी से हो गई थी, उन्हें लग रहा था कि रोल उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं मिलेगा, उन्होंने अपना रास्ता बीजेपी की तरफ रखा। लेकिन आप खुद देखिए, और अगर आप नहीं देख रहे हैं या आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी दी, ना अपर्णा यादव को एक बड़े चेहरे के तौर पर लॉन्च किया गया, और तो और ना किसी बड़ी रैली में नजर आई हैं अपर्णा यादव, ना किसी बड़े कार्यक्रम में अपर्णा यादव दिखाई दी हैं। तो क्या अपर्णा यादव बीजेपी में आकर फंस गई हैं? और अगर अपर्णा बीजेपी में आकर फंस गई हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अगर उन्हें पार्टी में जगह देती है तो क्या अपर्णा वहां पर चली जाएंगी? तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आगामी वक्त में क्या बड़ा रोल देखा जा रहा है अपर्णा यादव को लेकर। दरअसल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उस पर उनकी नज़र है, और दूसरी तरफ और अहम बात जो है वो ये देखी जा रही है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो तस्वीर है वो ये है कि समाजवादी पार्टी अब ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपना दबदबा बनाया, लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई, ठीक उसी तरीके से उन्हें आगे भी काम करना है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव पर नज़र डाल रही है, 10 सीटें जो उपचुनाव की हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं बात अपर्णा यादव की कर रहा हूँ कि अपर्णा यादव को क्या समाजवादी पार्टी बड़े चेहरे के तौर पर उतार सकती है, क्या प्रचार प्रसार के लिए उतार सकती है? क्योंकि हमने देखा कि डिंपल यादव अपनी बच्चियों के साथ उतरी चुनावी मैदान में, डिंपल यादव अपनी बच्चियों के साथ चुनावी मैदान में उतरती तो हैं, प्रचार प्रसार भी करती हैं, साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि हम किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हम किस तरीके से युवाओं को जो है आगे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव का मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ कि शिवपाल यादव को भले ही नेता प्रतिपक्ष ना बनाया गया हो, लेकिन शिवपाल यादव को अखिलेश अभी भी बड़े के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें पार्टी में रखा गया है, सलाह मशवरा उनसे की जाती है। तो क्या परिवार को जोड़ने के साथ साथ अगर मैं कहूँ अपर्णा यादव को लेकर भी बात करूं, तो क्या अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में वो शामिल कर लेंगे? देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव की अगर मैं बात करूं तो अपर्णा यादव की भले ही उतनी लोकप्रियता नहीं हो, लेकिन उनका वोट बैंक भी है, अपर्णा यादव का वोट बैंक भी है, और ये बात समाजवादी पार्टी जानती है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि अपर्णा यादव खुद इस बात को देख रही हैं कि बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही है, उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी रैली में वो नजर नहीं आए। हाल ही में
हमने देखा कि जब लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी बड़े चेहरों की बात हुई, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही तो थे। इसके अलावा और कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, तो जो सहयोगी पार्टियां हैं वो नजर आई। सहयोगी पार्टियों का बोलबाला देखने को मिला, मंच पर नजर आए, लेकिन अपर्णा यादव दूर दूर तक नहीं थी। तो जो सपने अपर्णा यादव के थे या जो सपना अपर्णा यादव लेकर आई थी, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब ठहर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब रुक रहा है। तो जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा तस्वीर है, वो ये जग जाहिर कर रही है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जो बड़ी मुश्किलें हैं वो अब क्या बीजेपी के लिए होने वाली हैं। और क्या वजह है अपर्णा यादव का अब मुंह भंग बीजेपी से हो रहा है? देखिए, ये बात कही जा रही थी कि अगर अपर्णा यादव को बड़ा रोल बीजेपी में मिल जाता है तो हो सकता है कि वो शिवपाल यादव को भी पार्टी में लेकर चली आए। लेकिन जब अपर्णा यादव को ही बड़ा रोल नहीं मिल पाया, जब अपर्णा यादव को ही बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में नहीं मिल पाई, तो खुद आप सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी में उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या ये कहा जाए कि साइडलाइन कर दिया गया है। क्योंकि बीजेपी में आपने सबको मौका तो दिया, लेकिन आपने अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया। आपने जो है इस उपचुनाव में भी कोई चर्चा अपर्णा यादव की नहीं हो रही है कि अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे पहले भी हमने देखा, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए उस चुनाव के दौरान भी हमने देखा, बीजेपी के कई उम्मीदवारों को आपने उतारा, लेकिन एक सीट पर भी आपने अपर्णा यादव को नहीं उतारा। तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि अपर्णा यादव पर भरोसा करना बेकार है? अपर्णा यादव जो है वो जीत ही नहीं पाएंगी, उनका वोट बैंक नहीं है, या बीजेपी को ऐसा, बीजेपी ये मानकर बैठी है कि अपर्णा यादव का अगर मैं कहूं तो उनका कोई रोल मॉडल ही नहीं है? तो क्या हल्के में अपर्णा यादव को लिया जा रहा है? बीजेपी अगर अपर्णा यादव को हल्के में ले रही है तो फिर तो इसका साफ मतलब तो यही है ना साहब, इसका साफ मतलब तो यही है कि बीजेपी अपर्णा यादव को बस ठीक है, आप पार्टी में बने रहिए, इतने भर महज तक है। लेकिन अपर्णा यादव ये चाह रही थी, बीच में अपर्णा यादव नजर आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वो कर रही थी, जो है वो बीजेपी के लिए बात भी कर रही थी, लेकिन अब तो बुरी तरीके से जिस तरह वो गायब हैं, ऐसे में सुगबुगाहट इस बात की है कि समाजवादी पार्टी की तरफ वो जा रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी में बड़ा रोल नहीं मिलता अपर्णा यादव को, तो क्या बसपा के सहारे अपनी चुनावी जो गाड़ी है, अपनी जो चुनावी ट्रेन है, उसको आगे लेकर जाएंगी? क्योंकि अपर्णा यादव को बसपा में भी बड़ा रोल मिल सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ये बात जानती हैं, उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है वो बीजेपी बसपा का बहुत कमज़ोर हुआ है। तो अपर्णा यादव अगर बसपा में आती हैं, बसपा उन्हें टिकट देती है, तो क्या यादवों का वोट बैंक वो अपनी तरफ खींच पाएंगी? और अगर खींच लेती हैं यादवों का वोट बैंक, तो क्या इसका बड़ा फर्क चुनावों पर पड़ेगा? और यादवों की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के कट्टर वोटर हैं, वो हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट करते रहे। लेकिन अपर्णा यादव का बसपा में आ जाना भी क्या वोट बैंक काटेगा? अगर समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिलती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में अपर्णा को जगह नहीं मिलती है और मायावती अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी देती हैं, तो क्या वोट काटने में कामयाब रहेंगी? यादवों का वोट अपनी तरफ लाने में कामयाब रहेंगी अपर्णा यादव? और अगर रहेंगी तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका रहेगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।